ऑफिस इन्फोर्स ने पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मोहम्मद वास, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हुदूद ग्रीन मेंशन अपार्टमेंट के सामने से दिसंबर 2013 में टीवीएस वेगो स्कूटर की चोरी हुई थी। गाड़ी के ओनर एडवोकेट मोहम्मद अब्दुल हमीद ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी और उस स्कूटर का तो कुछ पता नहीं चला था, लेकिन हैरत की बात ये देखने को मिली कि उस स्कूटर के सिग्नल जंपिंग के चालान अभी भी एडवोकेट अब्दुल हमीद के घर आ रहे हैं और उस नोटिस में लिखा है कि जल्द से जल्द चालान क्लियर करे वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस बात से परेशान होकर अब्दुल हमीद ने हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की और ट्रैफिक डीसीपी से रुजू हुए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी कार्रवाई नहीं की गई। गाड़ी शहर के सड़कों पर घूम रही है और इस गाड़ी को तलाश करने में पुलिस लापरवाही दिखा रही है। खासकर देखने को मिलता है कि पुलिस छोटे मोटे मुजरिमों के साथ सख्ती से पेश आती है, लेकिन इस मामले में पुलिस लापरवाही दिखा रही है। मोहम्मद अतीक और शेख आसिफ के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैं मोहम्मद अब्दुल हमीद, एडवोकेट और सीनियर सिटीजन, हैदराबाद। मेरी गाड़ी वीगो मेरे घर के सामने से हुमायूं नगर में 28 दिसंबर 2013 को चोरी हो गई। उस सिलसिले में मैं एक कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन हुमायूं नगर में, जिसका नंबर है FIR 5/2014। जो क्या के गाड़ी चोरी हुई, बल्कि उसमें मैं जो है सो वो कंप्लेंट दिया था गाड़ी चोरी होने का। इसके बाद से जो है सो कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैं RTI में एप्लीकेशन दिया, तो RTI में एप्लीकेशन देने के बाद भी जो है सो अब तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बावजूद जो है सो हैरत की बात यह है कि गाड़ी हैदराबाद सिटी में फिर रही है, मुझे चालान्स आ रहे हैं जो है सो, लिहाजा जो है इसका जो है फ़ोटो मेरे पास जो मौजूद है उसकी एक कॉपी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जो है सिटी में कोई आदमी फिरा रहा है और चालान्स मुझे आ रहे हैं, ये बोल के पेमेंट करो, नहीं करते हैं तो लीगल एक्शन लेंगे। ऐसे कई चालान्स आ गए और मैं वेट कर रहा था कि लीगल एक्शन हुआ तो मैं कोर्ट में जाके कुछ एक्शन लूँगा मेरी तरफ से, पर कोर्ट में भी नहीं गया। इसके बावजूद मैं डिफरेंट अथॉरिटीज़ को अप्लीकेशन दे रहा हूँ। इतना होने के बावजूद आप 2-3 साल निकल गए और 2 साल से गाड़ी फिर रही, चालान्स आ रहे हैं, मगर पुलिस इनएक्शन है, पुलिस इज स्लीपिंग बोले जैसा है, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है पुलिस। इसमें जो है सो अफसोस की बात है कि ये जो इतने मालूम होने के बाद भी रिकवरी गाड़ी की नहीं हुई। ताजुब की बात है कि पुलिस के ये तो मतलब लेथारी ऑफ पुलिस बोलना चाहिए, उसकी वजह से जो है सो हमारे जैसे सिटीजन्स को जो है सो गाड़ी चोरी होने के बाद जो मूव हो रही है सिटी में, उसको अगर रिकवर नहीं कर सकते तो पुलिस का क्या काम है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। आप पुलिस स्टेशन में अप्रोच हुए फिर बाद में कंप्लेंट देने के बाद? हाँ, तो कई बार गया मैं, उसके बाद कई बार जाने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लेने के बाद मैं RTI एप्लीकेशन दिया, ऐसा था, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। 6 महीने तकरीबन हो गए। कितने साल हो गया टोटल अभी गाड़ी मिस हो? 3 साल। 3 साल में सिर्फ आपको चालान आ रहे, कोई रिकवरी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो उसमें चालान के साथ लीगल एक्शन का थ्रेट भी आ रहा। तो हम समझे ठीक है, कोर्ट में जाता है मामला, कल करो हम जो है सो वो कर देंगे, क्या बोलते अपने कोर्ट में जो है सो प्रोसीड हो जाएंगे। लिहाजा जो है सो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये मेरा FIR का कॉपी है, वो भी मैं अब एग्जिबिट कर रहा हूँ। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल हमीद। आप कहाँ से? मैं हैदराबाद। हैदराबाद, हुमायूं नगर। थैंक यू। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मोहम्मद गौस।